हनुमान जी माता जानकी की दशा को देख करके उसी अशोक के पेड़ पर झर झर रोते हैं कि हे माता, यह रावण आप पर कितना जुल्म कर रहा है। रावण माता जानकी को डरा धमका करके एक महीने का समय देकर उसी रात को अपने भवन को लौट जाता है। अब हनुमान जी माता जानकी से मिलना चाहते हैं। एक त्रिजटा नाम की बुढ़ी राक्षसी है जो रात्रि काल में एक स्वप्न देखी है। जिस स्वप्न में एक बंदर श्रीलंका में प्रवेश किया है, जात उधान सेना सब मारी। उस बगीचे में जितनी भी राक्षसियां सब बैठी है, उन सबको वह त्रिजटा कहती है कि हे सखी, तुमसे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तुम सब जो मिल करके एक अबला स्त्री पर इतना अत्याचार जो कर रही हो, किसी अबला को इतना भी सताना उचित नहीं है। तुम सब रावण के आदेश को पालन कर रही हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम सब के पास भी बुद्धि दिमाग होना चाहिए। किसी अबला नारी पर इतना अत्याचार करना उचित नहीं है। एक बात जानती हो, मैंने रात्रि काल में एक स्वप्न देखी है। जिस स्वप्न में एक बंदर श्रीलंका में प्रवेश किया है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। सपने बानर लंका जारी, अजात धन सेना सब मारी। और इतना ही नहीं है सखी, मैंने स्वप्न में लंकापति रावण को भी देखी है कि लंकापति रावण अपने माथे को छिलाया है, चुन्ने का टिक्के लगाया है, खंडित भुज बिसा उसके बिसो भुजाएं कटे हैं, और वह नंगा है और गधा पर सवार होकर के मैंने उसे दक्षिण दिशा की तरफ जाते देखा। मृत्यु लोक की तरफ मैंने जाते देखी है, जमपुरी की तरफ मैंने जाते देखी है। इतना ही नहीं, लंका मनु विभीषण पाई, और लंका का राजा मैंने विभीषण जी को बनते देखी है। पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए जो तुम सब मिल करके एक अबला स्त्री पर इतना अत्याचार कर रही हो, इतना अत्याचार करना छोड़ दो।